हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंह साहब स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी 12th बोर्ड की तैयारी? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, राइट। 5th चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये पार्ट 1। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th की तरफ, और इसके बाद तो कंप्लीट है, 10 to 16 तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो इसका मतलब जानते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री, तो जैसा कि आप नाम से देख रहे हो सरफेस, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस क्या होती है। तो ये कोई बॉक्स मैंने लिया, राइट। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं कि सरफेस है, ये क्या है, ये सरफेस, ठीक है। तो अब इस सरफेस पर जो भी फिनोमेना वगैरह होंगे उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी रिएक्शंस या एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन जो भी सारी चीज़ें होंगी ना वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होंगी, सरफेस फिनोमेना से। तो अब सरफेस केमिस्ट्री का मतलब समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है, सारे सरफेस फिनोमेना से हम क्या करते हैं, डील करते हैं। द इंटरफेस और सरफेस बिटवीन द बल्क फेस इज रिप्रेजेंटेड बाई अ हाइपन और अ डैश, है ना। तो जो इंटरफेस होता है किसी बल्क फेस के बीच का, है ना, जैसे मैं बात करूं कि ये एक फेज है सॉलिड और ये एक फेज है गैस, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो राइट ये जो पोर्शन होगा इसको हम ओवरऑल क्या बोलेंगे, बल्क फेस, है ना, सरफेस फिनोमेना ये। तो अब इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हाइफन लगा देते हैं। तो ये क्या होगा, सॉलिड गैस, या फिर स्लैश लगा देते हैं, सॉलिड गैस। अब यदि गैस गैस हुआ तो आपको जैसे मान लो ये O2 के मॉलिक्यूल हैं, ये SO2 के, तो ये तो आपस में गैस इस तरीके से मिसिबल हो जाती है, तो उसमें हाइपन और स्लैश लगाने की जरूरत ही नहीं रहती क्योंकि वो कंप्लीट मिसिबल रहती है, तो कोई भी इंटरफेस उसमें होता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको सरफेस केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी जिसे डील करेंगे, जैसे कोरोजन है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, और हेटरोजेनियस कैटालिसिस है, डिजोल्यूशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सारी प्रोसेस किसकी है, सरफेस फिनोमेना की, बल्क प्रोसेस की, राइट। अब बात करते हैं हम एडजॉर्प्शन, तो ध्यान रहे ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। आपने अभी तक क्या पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन, और इससे पहले इसका नाम नहीं सुना था, एडजॉर्प्शन। देखो सब कुछ सेम है, बस इस डी की मिरर इमेज ले लो यहाँ पे, यानी कि इस बी को घुमा दो या फिर इस डी को घुमा दो, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप सोचो कि बस बी की जगह हमने यहाँ डी लिख दिया है, तो दोनों में बहुत अंतर है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बल्क फिनोमेना, अंदर भी होता है ये बल्क के अंदर, और एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये सरफेस है ना, ये तो ये क्या करती है, किसी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है, उससे कॉन्टैक्ट बना लेती है, तो उस चीज में ये जो होता है, और इसमें क्या होता है, सरफेस फिनोमेना। अब एग्जैक्टली हम जानते हैं कि एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होती है, द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा होना, क्या होता है, जमा होना, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज एडजॉर्प्शन, है ना। मॉलिक्यूलर स्पीसीज सरफेस पर जमा होती हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ऐसा नहीं कि ये आपस में घुल मिल जाए, है ना, जैसे आपने वो लिया नमक और उसको पानी में डाल दिया तो वो पूरी तरह मिसिबल हो गया, या फिर जैसे SO2 और NO2 आपस में ला दिया पूरा मिसिबल हो गया, तो एक क्या हो जाएगा, बल्क फिनोमेना हो जाएगा, यानी कि वो एब्जॉर्प्शन टाइप में चला जाएगा। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या होता है, केवल सरफेस फिनोमेना, यानी कि ये एक पर्टिकुलर सरफेस है ये, और ये क्या करें, मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उनको बांध के रखे। अब इसमें दो चीज होती है, एक तो हो रहा है मॉलिक्यूल अट्रैक्ट, और एक कर रहा है अट्रैक्ट, मतलब ये किस पे कहाँ पे जमा हो रहा है, इस सरफेस पे। तो जिस सरफेस पे जमा हो रहा है, जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जिस मॉलिक्यूल को ये अट्रैक्ट कर रहा है, जो मॉलिक्यूल जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। अब इन दोनों को याद कैसे करें, तो इस तरीके से रिलेट कर लीजिए, आपने एक चीज पढ़ी थी कि ये क्या है, पानी है, राइट, यदि और ये क्या है, शुगर के दाने, इस शुगर को हम इसमें मिला देते थे तो हमें क्या मिल जाता था, एक सॉल्यूशन, राइट। तो ये क्या है, सॉल्यूशन, और ये क्या है, H2O पानी, और ये क्या है, शुगर। तो इसको हम बोलते थे सॉल्यूट और इसको हम बोलते थे सॉल्वेंट, यानी कि ये गया और इसमें घुल गया। तो इस और एडजॉर्बेंट को किससे रिलेट करो आप, सॉल्यूट से, किससे रिलेट करो, सॉल्यूट से, और एडजॉर्बेंट को रिलेट करो आप सॉल्वेंट से, तो सारी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यदि कभी भूल जाओ तो एडजॉर्बेंट लास्ट में बेंट आ रहा है, तो इसके भी लास्ट में बेंट आ रहा है, राइट। तो सॉल्वेंट की तरह ये काम करता है, यानी कि द मटेरियल ऑन द सर्फेस ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, सरफेस पर जो मटेरियल होता है जिस पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट, राइट। अब ये ध्यान देना, अगेन
एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमेना, ये सरफेस फिनोमेना है ना कि बल्क फिनोमेना। सॉलिड इज फाइनली डिवाइडेड स्टेट, पोसेसेस अ लार्ज सरफेस एरिया, थस एक्ट एज अ गुड एडजॉर्बेंट। तो ये कह रहे हैं कि सॉलिड को यदि आप डिवाइड कर दो, जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पर बॉक्स लिया, ठीक है, अब आप बताओ इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ये क्यूबिक है राइट, ऐसा नहीं है ना, ये है इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, या फिर इसको हम टुकड़े टुकड़े में बांट दें, तो आप देखो टुकड़े टुकड़े में ये बटे आएगा, तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया इधर सबका देखोगे तो ज्यादा सरफेस एरिया हमें मिलेगा राइट। जब ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तब ये कैसे होंगे, अच्छा एडजॉर्बेंट, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा ये अच्छा एडजॉर्ब करेगा, तो इसलिए हमको इनको क्या बोलेंगे, गुड एडजॉर्बेंट्स। एग्जाम्पल की बात करें, चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कॉलोइड्स, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट आर गुड एडजॉर्बेंट, है ना। तो ये कुछ एडजॉर्बेंट के एग्जाम्पल दिए हैं, यदि आप इनको कुछ डिवाइड कर देते हो, टुकड़े टुकड़े कर देते हो इनके, तो सरफेस ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, तो जितनी ज़्यादा सरफेस होगी वो उतना अच्छा एडजॉर्बेशन वहाँ पर होगा, यानी कि वो इतना ज़्यादा अच्छे एडजॉर्बेंट्स होंगे। तो एडजॉर्बेंट्स अच्छे कब होंगे, जब सरफेस जितनी ज़्यादा होगी, सरफेस बढ़ेगी तो एडजॉर्बेंट की क्वालिटी भी बढ़ेगी, यानी कि एडजॉर्प्शन बढ़ेगा राइट। अब हम देखते हैं एडजॉर्प्शन इन एक्शन, क्या देख रहे हैं, एडजॉर्प्शन इन एक्शन। गैस लाइक O2, H2CO, Cl2, NH3 और SO2 व्हेन टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग पाउडर चारकोल इज ऑब्जर्व टू हैव लो प्रेशर देन व्हेन द सेम गैसेस आर टेकन इन एम्प्टी क्लोज्ड वेसल। शुद्ध हिंदी में समझिए इसने क्या कहा कि जब आप किसी भी बीकर में, कोई बंद बीकर है, इसमें यदि आपने चारकोल डाल दिया और यहाँ पे आपने O2 और H2 लिया, है ना, तो ये पाया जाता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो घट जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो O2 और H2 और CO हैं, ये क्या करेगा, ये जो है ना चारकोल, वो एडजॉर्बेंट का काम करेगा, यानी कि इनको एडजॉर्ब कर लेगा, तो O2 और H2 इसकी तरफ अटैक्ट हो जाएंगे और इससे चिपक जाएंगे, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। बट यदि खाली की बात करें, हम खाली क्लोज्ड वेसल की, तो वहाँ पे कुछ चारकोल वगैरह है नहीं, तो वो ऐसे फ्रीली घूमते रहेंगे, यानी कि ज़्यादा प्रेशर होगा, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स गैसेस आर एडजॉर्ब एट द सरफेस राइट, तो जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स घट गए, यानी कि प्रेशर कम हो गया। तो हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन की, एक्शन की। सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन एन ऑर्गेनिक डाई इज टेकन इन सॉल्यूशन, कुछ एग्जांपल हैं जिसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि एडजॉर्प्शन कैसे होते हैं। व्हेन एन डाई, ऑर्गेनिक डाई इज टेकन इन सॉल्यूशन, कोई ऑर्गेनिक डाई आपने सॉल्यूशन लिया, फॉर एग्जांपल इन मिथाइलिन ब्लू, तो यहाँ पर ये एक मिथाइलिन ब्लू है ये राइट, और इसमें आपने डाल दी डाई, तो ये हमने ली, इसमें डाई डाल दी, ये कुछ ग्रीन कलर की डाई है, ठीक है। व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड, अब इसमें आपने एक चारकोल भी डाल दिया, तो लो हमने इसमें चारकोल डाल दिया, ये चारकोल है ना। अब क्या हुआ, इसको हिला दिया, अब जब हिलाने के बाद ये जो थे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक डाई, ये इससे चिपक जाएंगे, है ना, तो फाइनली इसका कलर गायब हो जाएगा, तो हुआ क्या, यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ, क्या हुआ एडजॉर्प्शन। दिस इंप्लाइज द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई एक्युमुलेट ऑन द सर्फेस ऑफ द चारकोल और आर एडजॉर्ब्ड, तो जो चारकोल वहां था उसने क्या किया, जो डाई के मॉलिक्यूल थे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, यानी कि वो सरफेस पर जमा हो गए चारकोल की, तो वहां से कलर फिर गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप एडजॉर्प्शन का एग्जांपल देख सकते हो राइट। व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर इज पास्ड ओवर बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल इट बिकम्स कलरलेस बिकॉज कलरिंग सब्सटेंस आर एडजॉर्ब्ड बाय चारकोल, तो अगेन वहाँ पे सेम प्रोसेस है, यहाँ पे जो चारकोल है वो क्या करेगा, जो कलर्ड सब्सटेंस है उनको एडजॉर्ब कर लेगा, यानी कि अपनी तरफ, ये चारकोल है तो एक कलर्ड सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि वो एडजॉर्ब हो जाएंगे, सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एयर गेट एडजॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ द सिलिका जेल लीडिंग टू ड्राइनेस, यदि कहीं आपको ह्यूमिडिटी मिल रही है ना, तो उसमें आपने सिलिका जेल डाल दिया, तो ये क्या करेगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लेगा और फिर ये सूख जाएगा, तो सिलिका जेल भी यहाँ पे क्या करता है, एडजॉर्प्शन का काम करता है। अब एडजॉर्प्शन के बाद हम चलते हैं डिसॉर्प्शन राइट। डिसॉर्प्शन क्या होता है, इसकी उल्टी प्रोसेस। हमने क्या किया, ये है हमारा सिलिका जेल, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल आके इकट्ठा हो गए, यानी कि इसने मॉलिक्यूल को क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया। अब इन मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव कर दो, तो इसको बोलेंगे हम डिसॉर्प्शन, यानी कि उल्टी प्रोसेस है किसकी, एडजॉर्प्शन की राइट। अब एक और टर्म यहां पे आएगा,
कहाँ है, चलो वो आगे आएगा, उससे पहले हम देखते हैं जॉबसन क्या होता है वो, ठीक है उसको हम अभी बताते हैं, तब तक इसको देखते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। अब एक तो डिफरेंस ये है कि डी है इसकी मिरर इमेज, इसको पलट के लिख दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बी, है ना। बट ऐसा नहीं लिखना है, ये तो मैं मजाक कर रहा था, सिंपली आपको देख रहा है, बस इतना ही इनमें अंतर है और शब्द पूरा चेंज हो जाता है, इससे इनकी सारी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। आप समझते जाइएगा कि इनमें क्या क्या अंतर होता है। द सब्सटेंस इज कंसेंट्रेटेड ओनली एट द सर्फेस एंड डज नॉट पेनिट्रेट फ्रॉम द सर्फेस टू द बल्क ऑफ द एडजॉर्बेंट इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली आपको पता है जो एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेंट है ये, और जो एडजॉर्बेंट होता है वो आके सर्फेस पर अटक जाता है, इसके अंदर नहीं जाता, बल्क में नहीं जाता है। बट इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऐसा नहीं होता है, वो बल्क में चला जाता है, पूरी तरह मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल लो चौक स्टिक की, ठीक है, चौक स्टिक इज डिप्ड इन इंक और उसको आप इंक में डिबाओ, द सर्फेस एडजॉर्ब द कलर मॉलिक्यूल्स वेयर द सॉल्वेंट ऑफ इंक गोज डीपर इन टू द स्टिक ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने चौक स्टिक ली और उसको इंक में डाला, तो जो इंक होगी वो सरफेस पर अटक जाएगी, तो ये हुआ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन EAD, राइट, EAD। और जो इंक का जो सॉल्वेंट था वो अंदर चला गया पूरी तरह, तो वो हुआ एब्जॉर्प्शन। यदि आप उसको ब्रेक करोगे तो आप पाओगे कि जो चौक स्टिक थी वो वाइट होगी अंदर से भी, क्योंकि अंदर इंक नहीं गई, अंदर क्या गया, सॉल्वेंट गया। अंदर सॉल्वेंट गया तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, और ऊपर जो सरफेस पर इकट्ठा हुई इंक उसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है। और एग्जांपल की बात करो, अभी कितने सारे एग्जांपल बता दिए, तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा एडजॉर्प्शन होता क्या है। एक और एग्जाम्पल समझना चाहते हो, वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब बाई एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एडजॉर्ब बाई सिलिका जेल। तो एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम, दोनों का अंतर समझ रहे हैं दोनों में, है ना। तो एक तो एडजॉर्प्शन है और एक एब्जॉर्प्शन है। राइट? तो जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है वो क्या कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो यहां पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। और जो सिलिका जेल है वो क्या करता है, हमने बताया था ड्राइनेस कॉज करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। सिंपल समझ में आ गया क्या अंतर है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, थस द कंसंट्रेटेड ऑफ द एडजॉर्बेंट इंक्रीजेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट इन एडजॉर्प्शन। तो ये सेम चीज क्या बता रहा है कि जो एडजॉर्बेंट है उसकी कंसंट्रेट बढ़ती जाती है कहाँ पे, एडजॉर्बेंट पे, यानी कि इन एडजॉर्प्शन। Where is the concentrated is uniform throughout the bulk of the solid in absorption। तो सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, क्या जो absorption होता है ना, तो ये है। तो यहाँ पर concentration क्या, जैसे कोई भी आया मॉलिक्यूल तो अंदर पूरे बल्क में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो concentration क्या देती है, यूनिफॉर्म। बट बात करें यदि adsorption की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है adsorbent, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मॉलिक्यूल आया 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 और आया और आया, यानी कि ये एडजॉर्बेंट हैं जो आते जा रहे हैं, एडजॉर्बेंट आते जा रहे हैं, एडजॉर्बेंट आते जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, एडजॉर्बेंट में। एडजॉर्बेंट क्या है, ये सॉल्वेंट को बोलते हैं ना, एडजॉर्बेंट सॉल्वेंट से आपने रिलेट किया था, करके याद किया था ना, तो एडजॉर्बेंट पर इकट्ठे होते जा रहे हैं क्या, एडजॉर्बेंट। तो यानी कि इनकी कंसंट्रेट कहाँ पर बढ़ती जा रही, सरफेस पर। समझ में आया, तो ये पॉइंट यही कह रहा है। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ये दोनों एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। और इस टाइप की प्रोसेस जहाँ पर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन यानी कि ये और ये दोनों एक साथ होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन। जब एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन। राइट? अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि क्या मैकेनिज्म रहती है, ठीक है। एडजॉर्प्शन अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एनवायरनमेंट ऑफ द सरफेस पार्टिकल ऑफ द एडजॉर्बेंट इज नॉट सेम एज द पार्टिकल इनसाइड द बल्क, है ना। तो जैसे ये सरफेस है, एडजॉर्प्शन कब होता है, ये जो सरफेस है उसके अंदर कोई अलग है पार्टिकल और बाहर कोई अलग है, बाहर का एनवायरनमेंट अलग है, तब क्या करेगा ये, इन मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, तो इस तरीके से क्या होगा इनका, एडजॉर्प्शन। राइट?
इनसाइड द एडजोवेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली बैलेंस्ड, बट ऑन द अदर हैंड ऑन द सर्फेस वेयर द पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाई एटम्स और मोलिक्यूल्स ऑफ देयर काइंड ऑल साइड पोजिशन अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये क्या है एडजोवेंट और ये क्या है एडजोवेंट, यानी कि सरफेस है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में बैलेंस फोर्स होता है, म्यूचुअली बैलेंस फोर्स होता है, बट आउटसाइड ऐसा नहीं होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये क्या करते हैं अट्रैक्ट कर लेते हैं किसको एडजोवेंट को, है ना, दीज फोर्सेस ऑफ द एडजोवेंट अट्रैक्ट्स एडजोवेंट राइट। एज द सर्फेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द एडजोवेंट इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका कि जिस तरीके से आप सर्फेस बढ़ाते जाओगे एडजोवेंट बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल अपनी तरफ ला सकता है, तो जैसे सर्फेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब यहाँ से कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए, पहली क्या कि डेल्टा एच जो है वो क्या होता है नेगेटिव, एंथैल्पी चेंज क्या होता है नेगेटिव, डेल्टा जी क्या होता है नेगेटिव, डेल्टा एस क्या होता है नेगेटिव, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए किसके केस में एडजॉर्प्शन की, है ना। अब देखो हमें ये तो पता चलेगा डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब डेल्टा जी क्या होता है जीरो, तो इसको भी हम देखेंगे। तो ये तीनों चीज़ आप थर्मोडायनामिक्स की, यदि थर्मोडायनामिक्स में आपको प्रॉब्लम होगी तो ये समझ में नहीं आएगा, है ना, बट थोड़ा यदि नहीं आए तो इसको याद कर लीजिएगा और फिर समझने की कोशिश करिएगा। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेसिडुअल फोर्स ऑफ द सरफेस। सरफेस का जो फोर्स है, सरफेस जो एनर्जी है वो क्या होती है डिक्रीज हो जाती है। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिकम रेस्ट्रिक्टेड व्हेन अ गैस इज एब्जॉर्ब। जब गैस एब्जॉर्ब हो जाती है तब क्या होता है उनकी फ्रीडम खत्म हो जाती है, क्योंकि वो तो चिपक गई जाके एडजोवेंट से, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है डेल्टा एस नेगेटिव हो जाता है, यानी कि एंट्रोपी नेगेटिव। डेल्टा एस आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है। एडजॉर्प्शन लीड्स टू डिक्रीज इन एंथैल्पी एज वेल एज डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, और ये एंथैल्पी को भी घटाता है और एंट्रोपी को भी घटाता है ना। तो जो डेल्टा एच है उसको हम क्या बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी, सॉरी चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि एच जो है वो क्या होता है एंथैल्पी, तो ये एंथैल्पी को भी कम करता है, और S क्या होता है एंट्रोपी, तो एंट्रोपी को भी कम करता है। तो जैसे मान लो पहले एंट्रोपी थी 20, अब इसने कम कर दी, अब कितनी होगी 10 होगी, तो 10 में से 20 घटाओगे तो क्या आएगा नेगेटिव, यानी कि डेल्टा H क्या आएगा नेगेटिव, और डेल्टा S भी क्या आएगा नेगेटिव, है ना। अब देखो एक चीज़ देखो, ये इक्वेशन आपको पता है ना, तो यहाँ से भी आप एक चीज़ चेक कर सकते हो क्या कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप हो रही है, तो आपको पता है स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होता था नेगेटिव, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता था जीरो, और पॉजिटिव होता था किसके लिए नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। ये थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है, केमिस्ट्री का 11th क्लास का। तो डेल्टा इस ये जो डेल्टा जी है वो क्या होगा नेगेटिव, तो ये तो होगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव है टी, और ये डेल्टा एस क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ क्या जाएगा पॉजिटिव। मैंने क्या कहा टी तो पॉजिटिव रहता है टेम्परेचर हमेशा, तो हटा दो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल ये क्या जाएगा पॉजिटिव। अब एक चीज देखो कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, यहाँ नेगेटिव है, ये डेल्टा एच है, यहाँ पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव में कुछ ये पॉजिटिव टर्म है ना, तो अब इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी कि तब ये ओवरऑल नेगेटिव आ जाए, तो ये अधिक नेगेटिव होगा किसकी कंपेरिजन में डेल्टा एस की, ठीक है। नाउ टू सेटिस्फाई अबव स्टेटमेंट डेल्टा एच हैज टू हाईली नेगेटिव बिकॉज माइनस टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव एज द एडजॉर्प्शन कैरी फॉरवर्ड डेल्टा एच बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव अल्टीमेट डेल्टा एच बिकम इक्वल टू टी डी एस एंड डेल्टा जी बिकम जीरो दैट दिस इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड एट दिस स्टेट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। समझ में आया नहीं समझ में आया तो देखो एक चीज और ध्यान से, ये डेल्टा जी है, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ये क्या है डेल्टा जी और ये क्या है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये हमें पता है ये क्या नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, और ये डेल्टा जी क्या होता है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो ये नेगेटिव हो गई। अब इस डेल्टा एच और यहाँ पर कुछ टर्म है प्लस वाला, जैसे मान लो यहाँ पर लिख लो +3 राइट, तो अब इसको क्या होना पड़ेगा ये नेगेटिव हो,
कम से कम ये माइनस चार हो, माइनस पाँच हो, माइनस छः हो, हाईली इससे तो बड़ा ही होना चाहिए नेगेटिव, है ना। तब ये नेगेटिव होगा, तब ओवरऑल ये रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये जैसे घटता जाएगा, माइनस फोर से आ जाए ये माइनस थ्री पॉइंट थ्री, तो ओवरऑल कितना आया, जीरो पॉइंट थ्री। माइनस पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री से अब ये आ गया माइनस थ्री, और इधर क्या था, प्लस थ्री, यानी कि जीरो। तो जब ये ओवरऑल जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। तो ये जीरो कब होगा, तो डेल्टा जी जीरो, यानी कि डेल्टा एच माइनस टी डी एस, टी डेल्टा एस, है ना। तो डेल्टा एच यहाँ से इक्वल हो जाएगा टी डेल्टा एस के। तो ये बात यहाँ पर बता रहा है, डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टी डेल्टा एस, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, यदि थर्मोडायनामिक्स आपका सही है तो, क्योंकि क्या डेल्टा जी है, क्या डेल्टा एच है, कैसे क्या हो रहा है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। अब यहाँ पर दो चीज़ हम पढ़ेंगे, तो दो टाइप होते हैं, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन, और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं केमिजॉर्प्शन। उन दोनों के बारे में इसमें अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले तो इनका मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। इफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड अकर्स एट अकाउंट ऑफ वीक बंडरवाल फोर्सेस, तो जो एडजॉर्प्शन वीक बंडरवाल फोर्सेस से हो रहा होता है, यानी कि सरफेस पर, है ना, कोई सॉलिड सरफेस है उस पर कोई गैस इकट्ठी हो रही है और वो वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिर फिजिजॉर्प्शन। अब बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर केमिजॉर्प्शन की, तो व्हेन द गैस मॉलिक्यूल और एटम आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाई केमिकल बॉन्ड, तो यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा था, बंडरवाल फोर्सेस की वजह से वो हेल्ड होते थे, और यहाँ पर केमिकल बॉन्ड की वजह से हेल्ड होते हैं। तो जैसे मान लो ये है कोई सरफेस, ये है ना, तो यहाँ पर जो एटम या जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो इकट्ठे हुए, जो हेल्ड हुए, बंधे, कॉन्टैक्ट में आए, वो किसकी वजह से आए, केमिकल बॉन्ड की। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर केमिजॉर्प्शन, सिंपल। दीज बॉन्ड्स में भी कोवालेंट और आयनिक इन नेचर, ये जो बॉन्ड है केमिकल बॉन्ड जो बना वो कोवालेंट या आयनिक नेचर में हो सकते हैं। अब केमिजॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए क्या होता है, हाई एनर्जी एक्टिवेशन रिक्वायर होती है, ठीक है, जिससे क्या करें, ये एक्टिवेट कर सके एडजॉर्प्शन को। क्या बोला मैंने, केमिजॉर्प्शन में हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिससे ये एडजॉर्प्शन को एक्टिवेट कर सके, ठीक है। तो केमिजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन, इन दोनों में थोड़ा सा हम अंतर देखते हैं। अच्छा, एक और चीज देखो, यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, ये दोनों प्रोसेस जो हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, एक साथ भी हो सकते हैं, है ना। तो द फिजिकल एडजॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू द केमिजॉर्प्शन एट द हाई टेम्परेचर, तो जैसे मान लो एक सब कुछ छे में, है ना, यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है फिजिकल एडजॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर, यदि हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन था वो केमिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो दोनों चीज़ एक साथ हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाई हाइड्रोजन इज फर्स्ट एडजॉर्ब ऑन निकल बाई बंडरवाल फोर्सेस, पहले जो डाई हाइड्रोजन यानी कि एच टू था वो निकल पर जाके एडजॉर्ब हो गई, टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर बंडरवाल फोर्सेस में। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन देन डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम्स, ये जो एच टू है उसके बाद क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और हाइड्रोजन एटम बन जाता है, है ना। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो निकल है वहाँ पर अगेन एच एटम जाके इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिजॉर्प्शन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ेंगे हम, किस किस के, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के और केमिकल एडजॉर्प्शन के। तो मैं इनके पर्टिकुलरली ये सब बताऊं, उससे पहले मैं एक आपको टेबल बता देता हूं इन दोनों के कंपैरिजन और अंतर की, फिर ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगे, है ना। मैं उसको फिर अगेन रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन क्या होते हैं, एनसीईआरटी का पेज लिया हुआ है। तो जैसा कि आपको डेफिनेशन से ही पता था कि जो फिजिजॉर्प्शन होता है, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, उसमें वीक बंडरवाल फोर्सेस होते हैं, ये अराइज होते हैं बंडरवाल फोर्सेस की वजह से, क्योंकि बंडरवाल फोर्सेस तो ऑफकोर्स वीक ही होते हैं, उसके आगे वीक लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करें केमिजॉर्प्शन की, ये तो केमिकल एडजॉर्प्शन है, है ना। तो इट इज कॉज्ड बाई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो एडजॉर्वेट होता है वो एडजॉर्वेंट पर केमिकल बॉन्ड से हेल्ड होता है, उससे बनता है। ये स्पेसिफिक नहीं रहते हैं, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, और ये हाईली स्पेसिफिक रहते हैं, इसका भी मतलब समझेंगे। ये रिवर्सिबल रहते हैं, ये इरिवर्सिबल रहते हैं, ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पे, मोर इजीली लिक्विफाइड गैसेस आर एडजॉर्ब रेडली,
जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, यानी कि ऐसी गैस जिनको आसानी से लिक्विड बनाया जा सकता है, वो बहुत जल्दी एडजॉर्ब्ड होती हैं। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैसेस। तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है, है ना। ये भी गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। गैसेस विच कैन रिएक्ट विद द एडजॉर्बेंट शो कैम्बजॉर्प्शन। जो गैस एडजॉर्बेंट से रिएक्ट कर सकती हैं, यानी कि वहाँ पे जा सकती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, कैम्बजॉर्प्शन दिखा सकती हैं। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या होती है, कम होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। और इसकी एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी होता है एच, एच को पता है ना, इसको क्या बोलते हैं एंथैल्पी, तो वो ज़्यादा होती है, हाई होती है। तो देख सकते हो 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है। यहाँ पे कितनी होती है, 20 टू 40 याद कर लेना वैल्यू, और यहाँ पे 80 से 24, है ना। तो यहाँ पर लो होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो आपसे पाँच नंबर में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिजॉप्सन एंड कैमिजॉप्सन। सिक्स डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर जो फेवर है वो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉप्शन। तो लो टेम्परेचर होगा ना, वो फेवर करेगा। यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। और यहाँ पर हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉप्शन। हाई टेम्परेचर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। इट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एडजॉप्शन घट जाएगा, यानी कि फिजिकल एडजॉप्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट यहाँ पर उल्टा होता है, ये बढ़ता है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमिकल एडजॉप्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये सरफेस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस। ये भी सरफेस पर डिपेंड करता है, इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो आपको तो वैसे भी पता है कि सरफेस एरिया बढ़ाने से तो एडजॉर्प्शन बढ़ता ही बढ़ता है, है ना। तो दोनों केसेस में ये सेम पॉइंट रहेगा, केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ाने से, और फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ाने से। तो दोनों में ये सेम है, डिफरेंस नहीं है। इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर जब होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन जाती हैं, लेकिन यहाँ पर यूनि मॉलिक्यूलर लेयर बन जाती हैं। क्या बोला मैंने, यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती हैं और यहाँ पर यूनि मॉलिक्यूलर लेयर बनती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब फटाफट से हम कैरेक्टर स्टेक इनके देख लेते हैं जो इन्होंने सेपरेटली दिए हुए हैं, बाकी ये टेबल काफ़ी है इसको पढ़ने के लिए, है ना। तो फटाफट से देखते जाइएगा, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, पहले हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की होंगे, फिजिजॉर्प्शन की। तो लैक ऑफ स्पेसिफिक, है ना, तो जैसा कि मैंने बताया वंडर फोर्स रहते हैं जो कि यूनिवर्स फोर्स हैं, तो कोई इसमें पर्टिकुलर वो नहीं रहता है कि इसी से रिएक्ट करेंगे या इससे शो नहीं करेंगे या ये इसकी चीज़ को एडजॉर्ब करेगा, है ना। तो ये लैक ऑफ स्पेसिफिक यानी कि नॉट स्पेसिफिक रहते हैं, और वो क्या रहते थे, स्पेसिफिक रहते थे, मैंने बताया। नेचर की बात करें तो ये नेचर पर डिपेंड करते थे, है ना, जैसे जो इजीली लिक्विफाइड गैस हैं वो उनको आसानी से ये एडजॉर्ब करेंगे। बंडर फोर्स आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्या करते हैं, इजिली लिक्विफाइड गैसेस मतलब विथ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर इजिली एडजॉर्ब एज वंडरवाल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, वो यदि ज़्यादा है तो आपको पता है बंडरवाल फोर्सेस वहाँ पर होते हैं, तो ये इजिली एडजॉर्ब हो जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्ब्स मोर सल्फर डाइऑक्साइड। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, 630 केल्विन। देन मीथेन, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, 190 केल्विन, विच इज स्टिल मोर देन 4.5 ml ऑफ डाइहाइड्रोजन। क्रिटिकल टेम्परेचर 30 केल्विन। तो आपको पता है कि 33 केल्विन, फिर उसके बाद 190 केल्विन, फिर उसके बाद 630 केल्विन। ये जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। रिवर्सिबल रहते हैं नेचर में, तो ये मैंने आपको बता दिया नेचर में क्या रहते हैं, रिवर्सिबल। फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाई अ सॉलिड इज यूजुअली रिवर्सिबल। मोर गैस इज एडजॉर्ब एज प्रेशर इंक्रीज। आप प्रेशर को बढ़ाओगे या फिर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो गैस अधिक एडजॉर्ब होगी, यानी कि अधिक एडजॉर्बेशन यहाँ पर होगा, एडजॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट बात करें सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, तो सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया बढ़ाओ तो एडजॉर्बेंट क्या होगा, एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, इसके टुकड़े टुकड़े आप कर दो तो सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा, है ना। तो बहुत सारी जगह मिल जाएगी एडजॉर्बेंट को अट्रैक्ट कर, एडजॉर्बेंट क्या करेगा, एडजॉर्बेंट को अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्यूट को अट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो सरफेस एरिया ऑफकोर्स बढ़ेगा, तो दोनों ही केस में एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करें तो क्या होती है, कम होती है ना। और ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, जो एंथैल्पी है वो 20 से 40 के बीच में होती है।
अब बात कर रहे हैं हम कैमेज ऑप्शन की, तो हमने देखा था ये स्पेसिफिक रहते हैं, हाईली स्पेसिफिक रहते हैं, है ना, और वो नहीं रहते थे, ये इरिवर्सिबल रहते हैं, वो इरिवर्सिबल नहीं होते थे। सरफेस एरिया पे ये भी डिपेंड करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कितनी होती थी, यहाँ पे ज़्यादा होती थी, 80 से 240 होती थी हमने देखा, है ना, बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन इज हाई, ठीक है, और ये डिफरेंस बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स की, ये क्या रहते हैं, कुछ ग्राफिकल कुछ कर्व को हम थोड़ा सा यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय द एडजॉर्बेंट विथ प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक कर्व हमें मिलता है कोई, राइट, ऐसे ये ग्राफ है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये बताता है कि जो एडजॉर्बेंट है वो कितनी गैस को एडजॉर्ब कर रहा है विथ प्रेशर, है ना, वो प्रेशर के साथ, जैसे मान लो ये कर्व इस तरीके से मिला, तो ये प्रेशर है यहाँ पर और ये एक्स वाई एम, तो ये कितनी गैस को एडजॉर्ब कर रहा है, यदि हमने यहाँ पे था तो यहाँ पे कितनी गैस एब्जॉर्ब की, प्रेशर फिर बढ़ाया तो यहाँ पे कितनी की प्रेशर और बढ़ाया यहाँ पे कितनी की, तो ये कर्व हमें क्या बताता है, इस चीज़ को बताता है कि ये जो एडजॉर्बेंट है वो कितनी गैस को एडजॉर्ब कर रहा है। समझ में आया, एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट एंड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डिटरमाइंड, तो इससे हमें थोड़ा सा रिलेशनशिप पता चलता है, तो वो रिलेशनशिप निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था इस, ठीक है, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, क्या है वो याद कर लेना, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के इन टू पी की पावर वन बाई एन, है ना, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्डेलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना, नाम याद करने की जरूरत नहीं, यदि आ जाए तो फिर भी आपको पता होना चाहिए नाम क्या है इसका। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप यहाँ पे गोला मान लो एक्स बाई एम इज इक्वल टू पी इंटू सॉरी के इंटू पी की पावर वन बाई एन, ये इस रिलेशनशिप से हम क्या बताते हैं कि कोई एडजॉर्बेंट है ये कितनी गैस को अपनी तरफ अटैक कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एडजॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब, राइट, है ना, प्रेशर के अनुसार, प्रेशर वेरिएशन के अनुसार, तो जो कर्व एक हमें मिलता है उस कर्व से हमें ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक्स क्या होता है, एक्स होता है मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब ऑन अ मास ऑफ द एडजॉर्बेंट ऑफ एडजॉर्बेंट एट प्रेशर पी, तो जो एक्स है वो किसका मास है, एडजॉर्ब्ड मास, यानी कि ये एडजॉर्बेंट है और ये एडजॉर्बेट है, तो यहाँ पर कितना एडजॉर्बेट आया, कितना एडजॉर्ब हुआ ये इस पर्टिकुलर मास में, है ना, तो ये जो है इसको बोलते हैं हम एक्स और ये है इसको हम बोलते हैं एम, राइट, के यहाँ पे कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है और पी यहाँ पे प्रेशर है। अब ध्यान रहे ये जो एन है वो वन से बड़ा होता है, वन से छोटा नहीं, ये कंडीशन है। ठीक है, अब अ कर्व वेयर मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर, तो एक कर्व निकल के आता है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये बाई एक्सिस, बाई एक्सिस पे दिखाया है हमने एक्स अपॉन एम, एम क्या है मास ऑफ एडजॉर्बेंट यानी कि जो एडजॉर्ब कर रहा है, और ये क्या है एडजॉर्ब वेट यानी कि जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसका मास है, राइट। अब एक चीज़ देखो हमें क्या मिला, ये कर्व है अलग अलग टेम्परेचर पर, तो मान लेते हैं एक टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, कुछ प्रेशर है ये, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेशर ये रहा, इस तरीके से कॉन्स्टेंट रहेगा, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर पर यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर इतना था, अब टेम्परेचर और बढ़ा, अब टेम्परेचर सॉरी जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर क्या था कम, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, यानी कि हम जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो रहा है, यानी कि ये क्वांटिटी एडजॉर्ब क्वांटिटी क्या हो रही है, घट रही है। मैंने क्या बोला कि आप एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन खींच दो, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, यहाँ पर कितना 244 केल्विन, यहाँ पर कितना है 195 केल्विन, यानी कि ये सबसे कम है, तो यहाँ पर कम टेम्परेचर ज़्यादा एडजॉर्प्शन, और यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया और वो एडजॉर्प्शन की क्वांटिटी क्या हुई कम, और बढ़ाया तो और कम हो गई। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने ये लिखा भी होगा, एबव कर्व्स टेल्स दैट अ फिक्स्ड प्रेशर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ना वो क्या होता है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, तो टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा डिक्रीज, राइट, तो ये चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है, इस कर्व से आपको पता चल रहा है। अब हमने ये जो इक्वेशन थी एक्स बाई एम
इज इक्वल टू के पी की पावर वन वाई एन। इसके साथ दोनों के साथ हमने लॉग लिया तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग एक्स वाई एम और इधर क्या आएगा लॉग के इंटू पी की पावर वन वाई एन। अब देखो ये लॉग का फॉर्मूला होता है एक क्या कि लॉग यदि एम इंटू एन है तो इसको हम देख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन। ये बायो वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ क्या फॉर्मूला होता है। लॉग एम इंटू एन है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ये जो लॉग के इंटू पी की पावर वन बाई एन है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग पी प्लस सॉरी लॉग के प्लस लॉग पी की पावर वन बाई एन है ना। और यहाँ पे क्या था लॉग एक्स वाई एम। ठीक है अब एक और चीज़ यहाँ पे कि आपने बताया कि लॉग ए की पावर एक्स यदि ए की में कुछ पावर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स लॉग ए। ये दो फॉर्मूला हैं जो आपको पता होना चाहिए लॉग के फॉर्मूला यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे पी की पावर कितनी वन वाई एन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन वाई एन लॉग पी राइट। और यहाँ पे प्लस जो था वो तो इसको फाइनली देखो ये क्या है लॉग एक्स वाई एम तो लॉग एक्स बाई एम लॉग के और यहाँ पर वन वाई एन प्लस हाँ वन वाई एन इंटू लॉग पी राइट वन वाई एन इंटू लॉग पी। तो जब लॉग लिया तो फाइनली हमें ये इक्वेशन आ गई। अब इसको मान लो ये क्या है बाई पे हमें प्लॉट करना है बाई एक्सेस पे तो ये हो गया हमारा बाई और ये हमारा होगा कांस्टेंट तो इसको मान लो सी है ना। और लॉग पी हम एक्स एक्सेस पे प्लॉट कर रहे हैं तो एक्स और ये वन बाई एन क्या हो जाएगा एम राइट। तो ये एक इस तरीके की इक्वेशन बनेगी बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आपको पता है जो एम है जो स्लोप है वो क्या है एम इक्वल टू वन बाई एन है और यहाँ पे एन की वैल्यू वन से ज़्यादा है यानी कि एन क्या है पॉजिटिव। तो जब आप इसका ग्राफ बिना जान के ड्रॉ कर सकते हो तो बाई इक्वल टू एम प्लस एम एक्स प्लस सी यहाँ पे सी भी पॉजिटिव है एम भी पॉजिटिव है ना लॉग पी तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ग्राफ इसका आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से कुछ निकल के आएगा स्ट्रेट लाइन क्योंकि इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप बात करो तो जो स्लोप है स्लोप क्या होता है इस तरीके से लेते हैं ना स्लोप है ना इसको आप मान लो थीटा तो टेन थीटा जो है वो क्या है स्लोप वन बाई एन राइट। तो ये बाई पर हम ये बाई एक्सेस है तो बाई पर हमने क्या पुट किया लॉग एक्स वाई एम और एक्स एक्स पर हमने क्या पुट किया लॉग पी और ये यहाँ पे इस तरीके से टच होगा तो ये क्या होगा इंटरसेक्ट यानी कि लॉग के राइट यहाँ पे था ना लॉग के। तो ये कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है अब देख लो जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है वो यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ये जो बाई एक्सेस है उस पर हमने जो हमारी लॉग लेने के बाद जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी उसको आप लिख लो वो थी हमारी लॉग एक्स वाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस वन वाई एन लॉग पी। ठीक है तो ये हमने एक्स एक्सिस पे पुट किया ये रहा लॉग पी ये हमने बाई एक्सिस पे पुट किया तो ये लॉग इक्वल नहीं है लॉग एक्स अपॉन एम है गलत लिख दिया इन्होंने। ठीक है और इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी यदि आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आप पाओगे कि ये जो पोर्शन है ये क्या है लॉग के इंटरसेप्ट जो सी हमने लिया था वो है ना। और स्लोप क्या होगा इसका वन वाई एन जैसे आप कंपैरिजन करके निकाल सकते हो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो सी जो इंटरसेप्ट है ये है ना सी वो निकल के आ गया कितना लॉग के और एम है वो कितना निकल के आएगा देखो एक्स तो लॉग पी हो गया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एम तो इस स्लोप है वो कितना आ जाएगा वन बाई एन। मैथ वालों को ये समझ में आ रहा होगा बाई वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। ठीक है अब हम बात करते हैं कि जो वन वाई एन है यदि वो जीरो हो गया तब एक्स अपॉन एम बिकम्स कॉन्स्टेंट। इसने क्या कहा कि जो वन वाई एन है वो जीरो हो गया तो एक्स अपॉन एम क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो ऑफकोर्स आपको ये पता है एक्स वाई एम क्या होता था के इंटू पी की पावर वन वाई एन और वन वाई एन यहाँ पर जीरो है तो पी की पावर जीरो यानी कि ये वन तो एक्स अपॉन एम के बराबर आ गया यानी कि ये कॉन्स्टेंट हो गया। जब वन वाई एन है ना यानी कि वन वाई एन क्या हो जाएगा वन तो ये कितना होगा एक्स वाई एन क्या होता था के इंटू पी की पावर वन वाई एन और ये हो गया वन तो यहाँ पे क्या बचा एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी। अब आपको पता है एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी यानी कि पी क्या है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के तो कॉन्स्टेंट है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो यानी कि जो एडजप्शन है ना
एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा। तो जिस तरीके से आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे द एक्सपेरिमेंट आइसोथर्म्स ऑलवेज अप्रोचेस सेचुरेशन एट हाई प्रेशर, दिस कैन नॉट एक्सप्लेन बाई फ्रॉनलिच आइसोथर्म, थस इट फेल्स एट हाई प्रेशर, राइट। तो जो एक्सपेरिमेंट आइसोथर्म है वो हाई प्रेशर पे होता था, लेकिन हम उस चीज से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, किससे, फ्रॉनलिच आइसोथर्म से, वो हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है। तो हम लिमिटेड टेम्परेचर में, लिमिटेड प्रेशर में इसका यूज करते हैं, राइट। अब बात करते हैं सोल्यूशन फेज की, है ना। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन फेज में एडजॉर्प्शन कैसे होता है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सॉलिड्स एडजॉर्ब्स सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉलिड्स एडजॉर्ब्स सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। तो जैसे मान लो ये एक डब्बा है, इसमें पानी है और आपने शुगर डाल दी, और यहाँ पे एक कोई एडजॉर्बेंट है, तो ये क्या करेगा, शुगर को अपनी तरफ एडजॉर्बेट कर लेगा, मतलब अट्रैक्ट कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने लिया है, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर व्हेन शेकन विद चारकोल, है ना। तो ये एक डब्बा है, इसमें चारकोल है ये, और यहाँ सब पानी भरा है, और यहाँ पे एसिटिक एसिड है कुछ, तो ये जो चारकोल आपने इसको हिलाया, तो ये एसिटिक एसिड कहाँ चले जाएंगे, चारकोल से चिपक जाएंगे, यानी कि चारकोल एडजॉर्ब कर लेगा एसिटिक एसिड को, क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। तो फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन था इसमें ये एसिड था वो कहाँ चला गया, चिपक गया किससे, चारकोल से। तो जब इसके मोल कम हो जाएंगे, कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, अब एसिड वहाँ से गायब हो जाएगा, है ना। तो लिटमस सॉल्यूशन क्या करेगा, कोई भी कलर नहीं देगा। यदि आप लिटमस सॉल्यूशन को चारकोल से, चारकोल के साथ हिलाओगे तो क्या होगा, कलरलेस बन जाएगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट ऑफ MHOH होल ट्वाइस एक्वायर्स ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रिएजेंट ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम कलर चेंजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट ऑफ MgOH2 है वो ब्लू कलर ले लेता है जब उसको हम प्रेसिपिटेट करते हैं, किसमें, मैग्नीशियम रिएजेंट में। तो ये भी किसकी वजह से होता है, एडजॉर्प्शन। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है क्या नहीं। इन केज ऑफ सॉल्यूशन एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज फॉलोइंग थिंग्स आर ऑब्जर्व, है ना। तो कुछ चीज़ें हमें ऑब्जर्व की हैं ऑब्जर्वेशन से, किस में, सॉल्यूशन फेज में। सॉल्यूशन फेज क्या होता है, वही जैसे पानी है, इसमें आपने एसिटिक एसिड डाल दिया और यहाँ पे चारकोल लिया, है ना। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन कुछ हो रही है, तो इसमें से हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या, एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। आप यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, घटेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो एसिटिक एसिड इधर आ रहा है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो नहीं आएगा, यानी कि एडजॉर्प्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। यदि आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे एडजॉर्बेंट का, तो जो चारकोल है उसको टुकड़े टुकड़ों में यहाँ पे कर दो, है ना। तो ये ज़्यादातर जहाँ जहाँ पर एसिड होगा, है ना, आपने टुकड़े टुकड़ों में कर दिया चारकोल को, और ये एसिड है, तो एसिड इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, है ना। तो एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, है ना। तो आप इसको तो दिमाग में बैठा लो कि ये हर जगह एप्लीकेबल है, कि जब भी आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे एडजॉर्बेंट का, एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जो एडजॉर्प्शन है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, किसकी, सॉल्यूट की इन सॉल्यूशन, ठीक है। कंसेंट्रेशन पे भी ये डिपेंड करता है। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड द एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के नेचर पे भी वो डिपेंड करता है। द प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन इज नॉट नॉन अंटिल नाउ। तो जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है इसकी, है ना, वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो हमने सॉल्यूशन से निकाले थे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। फ्रॉन्जिस इक्वेशन जो हमने अपनी देखी थी, क्या थी वो, xym इजिकल टू के पी की पावर 1/n। Also describe the behavior of adsorption from solution, है ना। तो ये solution जो adsorption solution से होता है उसमें भी ये काम करती हैं। But हम क्या करते हैं, यहाँ पे P की जगह pressure की जगह क्या ले लेते हैं, concentration। तो जब हमने P को change कर दिया concentration से, तो अब हमारी equation क्या जाएगी, xym is equal to K P, यहाँ पे था P हटा दिया हमने, यहाँ पे C ले लिया 1/n, ठीक है। तो C यहाँ पे क्या था, equilibrium concentration when adsorption is complete, जब adsorption complete हो जाता है, equilibrium में हो जाता है सारी चीज, तो यहाँ पे equilibrium concentration है क्या, C, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारी equation अब निकल के क्या आई थी, xym is equal to
के सी की पावर बनवाई है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज, एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन निकल के आई क्योंकि हमने P को रिप्लेस कर दिया बनवाइन से। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो हमने इधर लॉग लिया और इधर लॉग लिया, तो आपको पता है लॉग m इंटू एन लिखा है ना, तो आपको पता है लॉग m इंटू एम क्या होता है, m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस एन, यानी कि लॉग k प्लस लॉग c की पावर बनवाइन इसको लिख सकते हैं, और ये पावर में है ना, तो आपको पता है कि लॉग a की पावर x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू लॉग a है ना, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, यानी कि बनवाई n को इधर ले आओ, तो इसको क्या लिखेंगे, log k प्लस वन बाई एन लॉग सी है ना। तो यहाँ पे ये फाइनली निकल के आ गया log x वाई एम, तो देखो log x वाई एन, log x वाई एम, यहाँ पे m है, सॉरी n नहीं है, m, फिर log k वन बाई एन लॉग सी। तो ये सेम इक्वेशन आ गई जैसी हमने पहले निकाली थी, ठीक है, बस अंतर इतना ही, तो वहाँ पे p था और यहाँ पे क्या आ गया c। तो अब इसका जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे है ना, एक्स एक्सिस पे आप मानोगे लॉग सी, वहाँ पे आपने माना था लॉग पी, और बाई एक्सिस पे मानोगे लॉग एक्स एम, तो ग्राफ सेम निकल के आएगा। कैसे, इसको आपने बोला ये क्या है बाई, और इसको आपने बोला ये क्या है, इसको हटाते हैं एक मिनट, ये क्या है एक्स, तो ये जो है एक्स के आगे वो क्या होता है एम, और बचा हुआ क्या होता है सी। तो आप देख रहे हो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी, सी प्लस एम एक्स है ना, तो m पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, c पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ आएगा। यहाँ पे ये क्या होगा c, ये जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा c, वो कितना है log k, और ये स्लोप जो है वो कितना होगा, ये स्लोप होता है थीटा, टेन थीटा, वो कितना होगा, तो m इक्वल टू कितना यहाँ पे बन वाई एन, तो वो सेम वहाँ पे था वैसा ही है, और x एक्सिस पे हमने यहाँ पे क्या लिया है log c, और y एक्सिस पे यहाँ पे क्या लिया है y इक्वल टू हमने माना log x y m है ना, सारी चीज़ें सेम है, तो वही स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगी, देखने के लिए मिलेगी। अब काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हमने एडजॉर्प्शन के बारे में, अब हम क्या देखते हैं, थोड़ी सी इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं फटाफट से, तो कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन 10 दिए हैं, तो मैं फटाफट उनको बता देता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन है कुछ समझने का है नहीं कि कहाँ कहाँ इनका यूज होता है एडजॉर्प्शन का, ठीक है। तो पहला यूज, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम मतलब वैक्यूम को बढ़ाने के लिए, अ वेसल एवैक्यूएटेड बाई अ वैक्यूम पंप गिव्स अ वेरी हाई वैक्यूम बाई रिमूविंग रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर थ्रू एडजॉर्प्शन बाई चारकोल। तो जैसे मान लो ये डब्बा है कुछ, इसमें थोड़े बहुत, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा परफेक्ट वैक्यूम बनाना है, यानी कि गैस का एक भी पार्टिकल इधर रहना नहीं चाहिए, आपको परफेक्ट इसको क्या करना है, वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट करना है, तो वो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या था, हम चारकोल लेंगे इधर है ना अंदर, और वो चारकोल क्या करेगा, इन जो गैस के मॉलिक्यूल बचे हुए हैं उनको अपनी तरफ अटैक कर लेगा, यानी कि एडजॉर्प्शन यहाँ पे भी हो रहा है, वो इन गैस के मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कर लेगा, तो फाइनली ये गैस के मॉलिक्यूल गायब हो जाएंगे सारे के सारे, इस तरफ अट्रैक्ट हो गए है ना, तो पूरा वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, ठीक है। दूसरा बात करते हैं गैस मास्क, तो फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस गैस मास्क इज यूजली यूज टू एडजॉर्ब पॉइजनस गैसेस, तो हम गैस मास्क को यूज करते हैं जो क्या कर लेता है, पॉइजनस गैस को क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है। अ डिवाइस विच कंजिस्ट, ये क्या होता है गैस मास्क, अ डिवाइस विच कंजिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सर ऑफ एडजॉर्बेंट्स, राइट। तो कोल माइंस में ये होती है क्योंकि जो पॉइजनस गैसेस रहते हैं उसको ये एडजॉर्ब कर लेता है। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, अब एक बात बताओ, जैसे मान लो आप किसी रूम में रह रहे हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल हैं और आप चाहते हो कि ये ह्यूमिडिटी रहे नहीं, इसको हमें ख़त्म करना है, तब आप क्या करोगे, किस तरीके से हटाओगे, तो यहाँ पर भी हम एडजॉर्प्शन उसका काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, सिलिका या फिर एल्यूमिनियम जेल लेंगे, ये क्या करेगा, इस मॉइस्चर को, इस वाटर वेपर को अपनी तरफ अट्रैक कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, तो वहाँ से ह्यूमिडिटी गायब हो जाएगी, यहाँ पर ड्राइनेस आ जाएगी, सिंपल है। फोर्थ देखते हैं, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, तो अगेन कलर यदि गायब करना है तो उसका आप क्या कर सकते हो, हम यहाँ पे भी एडजॉर्प्शन करा सकते हो है ना। कलर ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव्ड बाय एडजॉर्बिंग कलर्ड इम्प्योरिटी, जैसे एनिमल चारकोल कैन बी यूज्ड, तो जैसे एनिमल चारकोल है वो क्या करेगा, एक कलर्ड मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच लेगा, अटैक कर लेगा, यानी कि इनको एडजॉर्ब कर लेगा, तो कलर फिर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा
हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, कि क्या होता है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। फिलहाल देख लेते हैं थोड़ा सा। रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीजेस व्हाई एडसॉर्बिंग रिएक्टेंट्स ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। तो कोई जो कैटालिस्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है ए, तो ये क्या करता है, इस ए को एड्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पे, और इसकी वजह से क्या हो जाती है, ये जो रेट है वो फास्ट हो जाती है, किसकी, रिएक्शन की, रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि रिएक्शन फटाफट से हो जाती है। और ऐसे देयर आर मेनी गैसियस रिएक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इन्वॉल्विंग सॉलिड कैटालिस्ट। तो इसको हम कैटालिस्ट वाले पोर्शन में अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से हो रहे होता है। तो फिलहाल वहाँ पर भी क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन आ जाता है। जैसे बात करें कुछ एग्जाम्पल की कि कहाँ कहाँ पर ऐसा होता है कैटालिस्ट जो होता है वो रिएक्टेंट को अपने एडजॉर्ब कर लेता है, तो इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया आयरन इज यूज एज अ कैटालिस्ट। तो जब हम अमोनिया बनाते हैं, है ना, तो वहाँ पर आयरन को यूज करते हैं कैटालिस्ट की तरह। जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेसर जो प्रोसेस थी उसमें हम क्या करते थे, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते थे, यानी कि इसको आप देखोगे पी ब्लॉक में शायद, है ना, तो वहाँ पर भी अगेन कैटालिस्ट यूज हो रहा है। एक और था फाइनली डिवाइडेड निकल इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। जब आप ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करते थे तब आप निकल को एज अ कैटालिस्ट यूज करते थे। तो ये कुछ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के कैटालिसिस के एग्जाम्पल हैं। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, तो एडजॉर्प्शन का प्रयोग हम इनर्ट गैस के सेपरेशन में भी कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाई चारकोल यूजिंग एबव प्रॉपर्टी। मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाई एडजॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर, है ना। तो इसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, तो ये सिंपली क्या कह रहा है कि हम जो इनर्ट गैसेस हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं कैसे, है ना। तो होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास दो गैसेस हैं इनर्ट, मान लो हीलियम और नियोन है। अब बहुत सारे इधर हैं, ये मिक्स है, यहाँ पर कुछ हीलियम के मॉलिक्यूल हैं, कुछ नियोन के मॉलिक्यूल हैं, कुछ हीलियम के मॉलिक्यूल हैं, कुछ नियोन के मॉलिक्यूल हैं। अब आपको ये क्या करना, सेपरेट करना है, है ना। तो अब आपने क्या लिया, एक कोकोनट चारकोल ले लिया। तो सपोज मान लो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, हीलियम को एडजॉर्ब करता है, तो सारे हीलियम यहाँ से एडजॉर्ब हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल नियोन बचा। तो इस तरीके से हीलियम जो इनर्ट गैस थी, इनर्ट जो हीलियम मॉलिक्यूल थे इनर्ट गैस के, वो अलग हो गए, सेपरेट हो गए। अब हमें केवल इधर नियोन ही बचे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों गैसेस को, इनर्ट गैसेस को सेपरेटली अलग कर दिया। नेक्स्ट है इन कर्लिंग डिजीजेस, इन क्योरिंग डिजीजेज। तो जैसे जर्म्स आर किल्ड बाई गेटिंग एडजॉर्ब ऑन ड्रग्स, तो कुछ ड्रग्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं तो उनको ठीक करने के लिए हम दवाइयां लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जैसा कि आपने 16 चैप्टर में देखा था। तो कुछ ड्रग्स हैं वो क्या कर लेते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जिनकी वजह से हमें क्या हो रही है, बीमारी हो रही है। तो यहाँ पर हमने कोई ड्रग लिया तो वो क्या कर लेगा, इन सबको फटाफट से एडजॉर्ब कर लेगा। तो इसकी वजह से जर्म्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना, और हम फिर बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। एक देख लेते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। वैसे इतने सारे काफ़ी हैं, है ना, यदि एग्जाम में आए कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, तो आप 5 नंबर में आराम से लिख के आ सकते हो। एक है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसको जो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इसमें भी एडजॉर्प्शन का काम होता है, हालांकि इसको अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो जो इसके बाद चैप्टर आएगा 6 मेटलर्जी, उसको उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली सेपरेटिंग लो ग्रेड सल्फाइड और फ्रॉम सिलिका एंड अदर अर्थी मेटल्स कंसनट्रेटेड इट और। तो जो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है उसको हम 6 में जानेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, हम लो ग्रेड सल्फाइड को सेपरेट करते हैं सिलिका और सिलिका के ओर से, ठीक है। तो देखेंगे किस तरीके से इसको हम करते हैं। दिस मेथड यूज पाइन ऑयल एंड फ्रॉथिंग एजेंट। तो ये जो पूरा डिटेल में इसको हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे किसके, एडजॉर्प्शन के। अब हम थोड़ा सा इंटेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप एनसीईआरटी में देखोगे पेज नंबर 127 पे, तो वहाँ पर 3 इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5.1, 5.2, 5.3। तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिस्ट ऑप्शन। तो आपको कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं केमिस्ट ऑप्शन के। तो हमने इतने सारे पढ़े हैं, 9-10 पढ़े हैं, तो आप बता ही सकते हो। ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, हाई टेम्परेचर पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाते हैं, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, राइट। यदि हम एडजर्वेंट का सरफेस एरिया बढ़ाएं तो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ आप लिख सकते हो बहुत सारे। तो 2 पूछा है तो 2 हमने बता दिए। व्हाई डज फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो जो फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज क्यों होता है यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, इंक्रीज टेम्परेचर से ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता है फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, उसमें है ना ए प्लस बी
मान लो दे रहा है आपको सी डी, यहाँ पे निगेटिव है डेल्टा एच, डेल्टा एच निगेटिव है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्म प्रोसेस। अब आप क्या करोगे, इधर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, आगे की तरफ जाएगी नहीं। यदि ये एंडोथर्मिक होता और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये आगे की तरफ जाएगी। अगेन ये जो पोर्शन है वो किसका है, थर्मोडायनामिक्स का, तो अगेन आपको प्रॉब्लम आएंगी। यदि आपको थर्मोडायनामिक्स आपने सही से नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ लेना। एज टी इज इंक्रीज्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम द सॉलिड सर्फेस ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो गैस कैसे रिलीज, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कौन सा यूज हो रहा है, ली चैटली प्रिंसिपल। तो ये अगेन थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्या कह रहा है उसको समझिएगा। कि ए प्लस बी ये गैस है, यहाँ पर कोई मान लो गैस है, तो यहाँ से जो गैस इससे चिपक गई। ठीक है, अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये रिएक्शन अभी फॉरवर्ड चली। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया किसमें, फिजिकल एडजॉर्प्शन में, तो अब क्या होगा ना, ये रिएक्शन बैकवर्ड आने लगी, यानी कि ये चिपकी हुई थी तो वापस आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये वापस से अलग हो जाएगी, है ना। तो गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉलिड, तो ये सॉलिड जो ये सॉलिड था उस पर गैस चिपकी हुई थी वो वापस से उस पर से खत्म हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। वाई आर पाउडर सब्सटेंसेस मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट्स देन देयर क्रिस्टलिन फॉर्म्स, जो पाउडर सब्सटेंस रहते हैं वो क्रिस्टलाइन की बजाय क्यों अच्छे एडजॉर्बेंट रहते हैं, तो सिंपली सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आप मान लो आपके पास एक ब्रेक है, आप उसके एक ईंट है ना, उसके बहुत सारे टुकड़े टुकड़े कर दो, अब सबका सरफेस एरिया निकालोगे तो सबका सरफेस एरिया इससे बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, एक ईंट से उन सबका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस वजह से सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। तो पाउडर सब्सटेंस हैव ग्रेटर सरफेस एरिया देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो पाउडर सब्सटेंस है उनका सरफेस एरिया क्रिस्टलाइन फॉर्म से ज़्यादा होता है, इसलिए ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द एडजॉर्प्शन। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा, मोर इफेक्टिव इज द एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी, तो ये तीन चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैटालिसिस के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसको रीड कर लें। फिलहाल मैं यदि इसमें कैटालिस्ट को कंप्लीट करूँगा तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि कैटालिसिस अगेन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडजॉर्प्शन तक ही इसको रहने देता हूँ, वीडियो को समाप्त करते हैं। राइट, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।